अमेठी जनपद में मामूली बात को लेकर नाबालिग बच्चों ने अपने ही दोस्त की कर दी हत्या। साथ में घूमने गए नाबालिग साथियों ने नाबालिग दोस्त को मारकर जंगल में झाड़ियों के बीच में फेंका। रात्रि में घर वापस न आने पर काफी खोजबीन के बाद जंगल में खून से लथपथ मिला किशोर का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और जाँच में जुटी। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहब्बतपुर गाँव का है मामला। सुनिए क्या कहना है परिजन का। दर क्या नाम है आपका? अपन नाम बगीदी समय कहा तो रियाज अहमद नाम। क्या घटना हुई है? घटना यह हुआ है कि वो लड़के साथ है, हमें लड़के के रहते हैं, शादी रही मोहल्ले में, तो तीनों जने निकल गए। तो पहले लड़का घर हुआ कहा कि भैया जाओ ना, हमारी तबीयत सही नहीं ना, तो कहीं तो टोलो मोहल्ला में जा दिए। वो बहने हमारे तो हम कहा जल्दी चले आयो, तो मोबाइल लेन वाले लेके चले गए। तो 10-11 बजे तक पता लगा गया कि सबका खवाई पियाई ने और वहीं से तीनों जने जंगल के चले गए। अब हुआ कहा कैसे मार डाइन कहा कि भैया काल पता लगाओ, पता लगा कि हमें साथ नहीं रहे, हमें साथ नहीं रहे। तो दिन में पता फिर पता लगाओ तो पता लगा कि ये इनके लौंडा डोमा डी मारा गवा है और नंगा आवा है रात में। तो फिर बाद में हमें शिनाखत पाई तो हम पुलिस केस किए। तो पुलिस वाले आए तो पूछे ने बतावा, तो वो जाके इनका पकड़ी पूछे तो उनका था यहाँ तो नहीं कबूल था, नहीं जाके कबूल दी। क्या नाम था जो मारे? शादी गली नाम का ना हो ऐसा नहीं जा। क्या तो कोई पुरानी रंजिश नहीं? कोई कभी बाप दादा तो नहीं रही भैया, मोहल्ले की बात है। क्या चाहते हैं आप? चाहे हमें लड़का तो मार डाई ना, लड़का तो वापस आए ना भैया। अब कहा बताइए कहा चाहे क्या है।